तो दोस्तों यहाँ पे बोट ने इसके लुक एंड फील में, डिजाइनिंग में, आरजीबी लाइट्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क किया है, उसको लेके दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन आउटपुट में कितना अच्छे तरीके से वर्क किया है वो हम टेस्टिंग करते हैं इस वीडियो में। शाका लाका बूम बूम मैजिक पेंसिल वायर। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आप लोगों के ऑलरेडी काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए बोट इमॉर्टल 171 गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को। मैंने इसको पर्सनली परचेज किया हुआ है, फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइसिंग 1500 रुपये के आसपास दिखा रहा है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करेंगे तो आपको 1300 रुपये के आसपास ये मिल जाएंगे। और इसका जो लुक एंड फील है केस का, जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है आरजीबी लाइट्स का, बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। बिल्ड को लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूं। इसमें आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, टोटल आपको 4 माइक्स का सेटअप मिलने वाला है। सब हम करेंगे टेस्टिंग, एक एक डिटेलिंग चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिकली सब देखने के बाद आप डिसाइड कर लें कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं शुरुआत इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोट इमॉर्टल 171 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स कैसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन है, हम सब डिटेलिंग में चेक करेंगे वीडियो में। आगे इसको करते हैं क्विकली अनबॉक्स। हमेशा की तरह आपको भर भर के पेपर वर्क मिलने वाला है, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, बोर्ड का ब्राउशर वगैरह वगैरह 10 टर्म आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा आपको यहाँ पे आई एम अबोर्डेड का स्टिकर मिलने वाला है, चिपका लीजिएगा कहीं ना कहीं। एक एडिकेट लेंथ की आपको टाइप सी की केबल मिलेगी टू चार्जर केस, एक्स्ट्रा कलरफुल ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। केस आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलर डिजाइन का आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है। ऊपर जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन है बढ़िया अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। फ्रंट में आपको बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी और बैक साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है। पूरा आपको मैट फिनिश का केस मिल जाएगा और जो बिल्ड क्वालिटी दी गई उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया आपको बिल्ड मिलने वाली है। और ये मतलब देखने में थोड़ा बल्की लग सकता है, लेकिन इसको आप ऐसे पॉकेट में कैरी करेंगे, बैग में कैरी करेंगे, पोर्टेबिलिटी को लेकर ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है। और केस को आप ओपन करेंगे दोनों ही बड्स बढ़िया तरीके से पैक्ड है। इसमें आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर मैग्नेट्स, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से। और जो केस का लॉक है आप देख सकते हैं ऐसे ये बंद हो जाता है, लेकिन जो केस का लॉक है उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। और साथ ही में इसमें आपको इंस्टेंट वीक एंड पे टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप केस को ओपन करेंगे, पेयरिंग मोड में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, फिर ये लास्ट पे डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप केस को बंद कर देंगे, इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। IWP फीचर सही तरीके से वर्क करता है, इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, एक टाइम पे आप एक ही डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और बर्ड्स आप देखेंगे जो एक्जैक्टली लुक एंड फील दिया गया है बर्ड्स का, जो बोट एडोब्स 191 बीच में आए थे वैसे आपको सेम लुक एंड फील के बर्ड्स मिलने वाले हैं। स्टैम शेप के इसमें भी आपको लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, बोट का लोगो दोनों में लगा हुआ मिल जाएगा, मैट फिनिश के बर्ड्स दिए गए हैं, कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव है। फिटिंग की बात करेंगे, फिटिंग आपको यहाँ पे सही मिलने वाली है, ईयर कप्स प्रॉपर लगाएंगे, अच्छी पैकिंग प्रोवाइड करते हैं, कानों में अंदर तक पैक कर देंगे। आप बोल सकते हैं 80 से 85% बैकग्राउंड की नॉइज भी कैंसिल हो रही है ईयरबड्स लगाते से ही। आप एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, गिरते नहीं है, जॉगिंग के टाइम यूज करेंगे, कानों से गिरेंगे नहीं। इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलेंगे, कैसे वर्क करते हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं इनके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो यहां पर आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, टोटल आपको 4 माइक्स का सेटअप मिलेगा विद ENX टेक्नोलॉजी, डेडिकेटेड आपको यहाँ पे गेमिंग मोड मिल जाएगा, बीस्ट मोड, 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम पे आप म्यूजिक सुन रहे हैं। साथ ही में आप ईयरबड्स को लगभग फुली चार्ज कर सकते हैं 3 से 4 बार यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग आपको यहाँ पे 3 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। फीचर्स यहाँ पे सही दिए गए, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी। टच कंट्रोल्स की बात करेंगे, बेसिक आपको टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं जैसे बोट ब्रांड प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा। लेफ्ट ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस आप सब कमांड देकर यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, बीस्ट मोड गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा बीस्ट मोड करके। फिर से राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, ये गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए अगर आप डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, बातचीत नहीं करनी, अगर आप डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं दिया गया है, वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जो बीस्ट मोड दिया गया है 40 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है, वो हम चेक करते हैं BGMI का गेम टेस्ट देख के।
गेमिंग इसमें आपको यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है अगर आप SBC मोड में गेमिंग करेंगे ऑन करके, एक बीस्ट मोड ऑन करके, जो लेटेंसी है 40-50 मिलीसेकंड के आसपास मुझे लेटेंसी लगी। बहुत मतलब बोलते हैं बहुत ज्यादा लेटेंसी कम नहीं लग रही थी, मतलब बोल सकते हैं 50 मिलीसेकंड के आसपास मुझे लेटेंसी लगी इनके थ्रू। स्टीरियो सेपरेशन आपको बढ़िया मिल जाएगा, एनिमीज लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, लाउडनेस आपको बढ़िया मिलने वाली है, इसमें आपको अच्छी गेमिंग मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 10 एमएम डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, SBC ASIC कोडेक का सपोर्ट, लाउडनेस आपको अच्छी मिलने वाली है। फुल वॉल्यूम पे मेरे को लगा बस जो फुल वॉल्यूम है ना उसका आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है जो क्लैरिटी है वोकल्स को लेके और बेस को लेके हल्की फुल्की डगमगाई लग सकती है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन लग रहा था फुल वॉल्यूम पे। इसको अगर आप 80% या 90% वॉल्यूम पे भी सुनते हैं, वॉल्यूम को एक आध कम कर देंगे बस, लाउडनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, क्लैरिटी आपको बढ़िया मिलने वाली है, वोकल्स को लेकर ट्रेबल्स आपको सही मिलने वाले हैं, बेस भी इसमें आपको अच्छे मिलने वाले हैं। एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है लेकिन आपको प्रॉपर थम्स मिल जाएंगे लगेगा, हाँ प्रॉपर अच्छी खासी डेपनेस आ रही है बेस पार्ट को लेके, इसमें आपको अच्छे बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। बस जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है फुल वॉल्यूम पे आपको थोड़ी बहुत डगमगा लग सकती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन लग सकती है। 80-90% वॉल्यूम पे सुनेंगे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा म्यूजिक और बेस को लेकर। बात करेंगे कॉलिंग की, टोटल आपको 4 माइक्स मिलने वाले हैं, 2-2 माइक्स दोनों ईयरबड्स में ENX टेक्नोलॉजी। आप हमारा देख लीजिए DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बेबी को सकाला का बूम बूम दिखा रही थी अपने टाइम का। सकाला का बूम बूम मैजिक पेंसिल। हाँ वायर बढ़िया। अरे अभी मेरे पास यहाँ पे बोट ब्रांड की तरफ से बोट इमोर्टल 171 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मैंने परचेज किए हुए हैं। हाँ तो मैं ऑफिस के बाहर थोड़ा रोड साइड पे ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। हाँ तो मेरी आवाज समय कंपैरेटिवली कैसी आ रही है, आउटर कंडीशन में हूँ मैं? आवाज तो समझ में आ रही है, मतलब कॉलिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन लाउडनेस मुझे एडिकेट लग रही है और वोकल्स को तो लेकर लग रहा है थोड़ा सा और क्लियर होते तो और ज्यादा बेटर कॉलिंग हो सकती थी। बाकी बैकग्राउंड में जैसे गाड़ियां जा रही है उनकी आवाजें तो मैं आ रही है? हल्की फुल्की समझ में आ रही, बहुत ज्यादा नहीं। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो? 75% तक। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हां बाय। कॉलिंग टेस्ट देखिए, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इसके, आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली। अब हम आते हैं डायरेक्टली रेटिंग्स पर, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। दिस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपये आप मान सकते हैं। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल ही जस्टिफाई करता है। मेनली जो लुक एंड फील दिया गया है, इसकी जो RGB लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है वो काफी अट्रैक्टिव लुक एंड फील प्रोवाइड करता है, लाइट्स बढ़िया लुक एंड फील प्रोवाइड करती है, साफ साफ गेमिंग ईयरबड्स का लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट भी काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाला है। मैंने आपको सब टेस्टिंग वैसे दिखाई दी, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। अब आप फाइनली डिसीजन मैटर करता है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा पैकेज, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, स्कोरिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट इमॉर्टल 171 गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।